भाई गप्पू कहाँ गए थे, कैसा रहा तुम्हारा हॉलीडे? भाई मैं तो नैनीताल गया था। अच्छा? दोस्तों के साथ अपने। बहुत मजा आया वहाँ, बियर शियर पी, बहुत बर्फ बर्फ पड़ी थी, पूरा मजा आया। क्या बात है। भीमताल भीमताल में सब जगह घूमे। अच्छा, और भाई तू कैसा चुपचाप बड़ा, तू तो बता अपनी। हम तो भाई अपने मम्मा गए थे, हमारी माँ तो हर साल मम्माओं को ले जा, और मम्मा ले जाए खेत में मूली सलगम पड़वा वैसा। और भाई तू कहाँ गई थी? मेरी भी अच्छी रही, मम्मी डेली रोज बैंक में नोट बनवाने के लिए भेज देती थी। अच्छा, मैं क्या करती थी, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, रात को बोला मम्मी नोट एक्सचेंज नहीं हुए, सुबह फिर से खड़ी होकर लाइन में चली जाऊंगी। अच्छा है तेरी छुट्टी अच्छी। हाँ यार, नोट बदलवाने के चक्कर में मैंने भी खूब एंजॉय कर लिया। ठीक है। अच्छा पप्पू यू बता, हर साल मम्मा के धोरे जावे तो अपने कभी टूरिस्ट प्लेस में भी जाता है कि ना? पिछली गर्मी में मेरी माँ वैष्णो देवी लेगी थी मुझे। वैष्णो देवी यू भी कोई घूमने की जगह हुई? अरे यार घूमने की जगह कैसे ना, दुनिया जावे। देख जब पहाड़ की चढ़ाई चढ़े ना, चढ़तो चढ़तो पैर थक जा, कितना मजा आवे। और जब ऊपर से वापसी खच्चरों बैठ के आवे ना, कितना मजा आवे। और भाई वैष्णो देवी तो ठीक है, और कहीं घूमने घामने जावे गए नहीं? जाऊंगा। कहाँ? मेरे बापू ने नौकरी, अगर अब के तेरे 50% नंबर आ गए तो तुझे हरिद्वार नुहा के लाऊंगा। हरिद्वार जाएगा बेचारा नहाने। अच्छा पप्पू, हरिद्वार और वैष्णो देवी तो ठीक है, पर तेरे पापा तुझे कभी हिल स्टेशन पर भी लेकर जाते हैं या नहीं? हिल स्टेशन? जिस दिन मैं अपने बापू को न्यू कह दूं ना, पापा कहीं हमें हिल स्टेशन पर घुमा के लिया, तो न्यू कहे भैंसों खोल के जोड़ में ले जा इन्हें नहा ला, और तू भी नहा लिए, कभी मनाऊं तेरा ही पिकनिक। और भाई तेरी क्या तैयारी चलनी है पेपर की? यार बस कुछ भी नहीं, 3 बार याद कर लिया फिर भी दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा। अरे यार मैंने तो 5 बार रिपीट कर लिया, मेरे तो जब भी याद नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो। और भाई एग्जाम की तैयारी कर ली पूरी? आज मैथ का है। मैथ का? अरे आज इंग्लिश का है। सुबह उठती तेरे भाई ने तीनों थर्म रट दी थी। तीनों थर्म का मतलब तो 18 नंबर हुए, फिर 33 नंबर कहाँ था होंगे? आपके शेयर ने बैठी शेयर दिखा देगी तुझे, आपकी नकल मान ली। एक बात बताओ, ये गर्मी आ रही है, सर्दी गई, स्वेटर बन ला रहे हो? कोई बात नहीं, अगले साल काम आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरिया ने नाच नाच के 2 दिन भी नाचा नहीं, जी बना ला रही नहीं, ये तो आपकी मैसेज के लिए बना रही हूँ ना। आ? क्या है, सीधा बैठ। क्या है यार, एग्जाम के दिन भी पेन नहीं लाया, कैसा घोचू आदमी है। दे दे, क्यों नखरे दिखा रही है? ले दिखा दिया आज। हाँ पढ़ना लिखना तो है नहीं तुझे? हाँ पढ़ लिख के तू बन जाओगी मंत्री। चुप हो जा सर, देख रहे हैं। अरे हाँ मैं ना देख रहा हूँ तो मैडम के लिए बिजी है। सर एक सीट और देना। ऐसे यार दिखा दे यार, अब तो 1 घंटा होगा। अरे यार अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, मुझे खुद को ही नहीं आता। है सीट पे सीट भरे जा रही है, न्यू करी मुझे कुछ ना आता। लगा दे यार। अरे यार पास होने जितना दिखा दे, मेरा बाप मारेगा बहुत, झटके में लगा देगा मेरी ड्यूटी गोभी काटर। दिखा दे ना तो सीट फाड़ दूँ, तुझे पास ना बन दूँ। ले मर पर है। वो भगवान तेरा भला करे। इब तो हो गया तेरा काम पास होने लायक, इब तो शांति तक बैठ जा। अरे मैं सोच रहा है 2-4 क्वेश्चन और बता देगी तो मंत्री संत्री बन जाऊं। और भाई आरती
तेरा कैसा रहा पेपर? अच्छा नहीं रहा, 98 नंबर का पेपर करके आई हूँ, 2 नंबर छूट गए मेरे। और तेरा कैसा आशीष ये पेपर? यार पूछ मत, उस पीछे वाले घोपू ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया, 1 नंबर का। और भाई कैसा गया तेरा पेपर? मेरा बढ़िया गया फर्स्ट क्लास, 50-60 नंबर कहीं नहीं गए सो। और तू सुना तेरा पेपर कैसा गया? भाई मेरा 30-40 कहीं ना गए। बापू ने कह रहा कि पास होगा तो मोटरसाइकिल दूंगा और फेल होगा तो कार दूंगा। हैं? पास हो गया तो मोटरसाइकिल दिवाओगा और फेल हो गया तो कार दिवाओगा? यू कौन सा हिसाब हो गया? वो वाली कार ना। और टैक्सी वाली।